भारतीय सैनिकों का असंतोष, ये बात बिल्कुल सही है, ये मोटा कारण बनता है। चलिए आपकी बात को रखते हैं पहले। भारतीय सैनिकों का असंतोष, और सभी विद्यार्थियों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, और जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल पूछा जाना चाहिए तो आप बेझिझक मेरे से क्लास में सवाल कर सकते हैं। मेरे से सवाल न करने की ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि आप मेरे से सवाल न करें, कोई पर्ची वर्ची सिस्टम नहीं, आराम से आप बेझिझक सवाल करें। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, बीच क्लास में आप मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पे पढ़ाने की फीस ले रहा हूं आपसे। तो भारतीय सैनिक जो असंतुष्ट थे वो क्यों असंतुष्ट थे, ये बात सबसे देखिए। अब से पहले एक राइफल चलती थी, एनफील्ड राइफल्स, ध्यान देना आप मेरी बात। अब से पहले कौन सी राइफल चलती थी, एनफील्ड राइफल चलती थी, और इस समय जो जीजी थे लॉर्ड कैनिंग थे। ये जो बात आती है क्रांति का जो मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको लेकर मैं बात कर रहा था आपसे। और लॉर्ड कैनिंग ने एक नई राइफल चलाई, ब्राउन बेस राइफल्स। कौन सी राइफल चलाई, ब्राउन बेस। अब मित्रों इस ब्राउन बेस राइफल्स में जो कारतूस उपयोग में लिए जाते थे वो चर्बी युक्त कारतूस उपयोग में लिए जाते थे, और इन चर्बी युक्त कारतूसों को भारतीय सैनिकों को मुंह से खोलना होता था। मतलब अब अपन कह सकते हैं कि भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, और ये लॉर्ड कैनिंग ने जो इस समय ब्राउन बेस राइफल चलाई, ये इसने आग में घी का काम किया। कारतूसों को मुंह से खोलना, बंदूक में डालना, ब्राउन बेस में फिर चलाना। और ये चर्बी किसकी होती थी, महत्वपूर्ण मुद्दा, ये चर्बी होती थी दोस्तों गाय और सुअर की चर्बी होती थी। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा। एक व्यक्ति है, मैं आपको इस व्यक्ति से परिचय करवा देता हूं, मंगल पांडे, नाम आपने बहुत बार सुना होगा। मूलतया जाति से ब्राह्मण है और बलिया का निवासी है, गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी है, मूलतया उत्तर प्रदेश का निवासी है। और जो बंगाल में जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसका ये सिपाही था। ये बैरकपुर में थी भाई, कहां थी, बैरकपुर। इन्हीं सबसे बड़ा जो मुद्दा क्रांति का लेकर आता है, सबसे पहला मुद्दा ये है, ये व्यक्ति अंग्रेजों का बड़ा वफादार है साथियों। पहली बात मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने जो मंगल पांडे का चरित्र पढ़ा है वो आपने हीरो के रूप में पढ़ा है, लेकिन वाकई में हीरो है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब से पहले अंग्रेजों के बड़े वफादार रहे हैं, जाति से ब्राह्मण है। तो एक बात तो यहां पर तय थी कि जैसे ही ये अफवाह फैली कि भाई चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग हो रहा है, तो मंगल ने भी अपने जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उनसे कहा कि सर मैं ये जो अफवाह सुन रहा हूं क्या वे वाकई में सही है। तो अंग्रेजों ने इनको विश्वास में ले लिया कि नहीं मंगल, ऐसी कोई बात नहीं है, ये केवल अफवाह है। लेकिन ये संयोग का विषय है कि मंगल पांडे ने जहां पर गाय और सुअर की चर्बी निकाली जा रही थी उस कारखाने को जाकर देख लिया। मंगल पांडे हतप्रभ हो गया। बड़ा मुद्दा वो नहीं है, बड़ा मुद्दा यह कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। जितना मंगल पांडे अंग्रेजों का वफादार रहा है, अब मंगल पांडे अंग्रेजों के विरोध में आ गया। और यह घटना है 29 मार्च की। यह घटना कब की है, यह 29 मार्च की घटना है, 29 मार्च 1857 की घटना है। बैरकपुर नाम का स्थान आपके पश्चिम बंगाल में है, बैरकपुर सैनिक छावनी है, यहां पर मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। मंगल पांडे ने अंग्रेज जो सैनिक अधिकारी थे उन पर गोलियां चलाई, मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, और मंगल पांडे को हम क्रांति का सबसे पहला अग्रदूत कहेंगे। और ये वो व्यक्ति है जिसको सबसे पहले फांसी दे दी गई इस स्वतंत्रता संग्राम में।
व्यक्ति जिसको फांसी दी गई, ये डेट आपको याद रखनी है। पहली डेट ये जिस दिन क्रांति का आगाज हुआ, और दूसरी डेट ये है 8 अप्रैल 1857। ये डेट वो है जिस दिन मंगल पांडे को क्या दी गई, फांसी। भारतीय इतिहास में ये व्यक्ति दर्ज हो गया। जब भी 1857 की क्रांति का दौर आता है तो निश्चित रूप से मंगल पांडे को सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि वो व्यक्ति है, तो हीरो बन गए अब मंगल पांडे। बैरकपुर में फांसी दी जाती है। तो अब आपसे जब सवाल किया जाए कि क्रांति का पहला शहीद व्यक्ति कौन है, तो मंगल पांडे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि राजस्थान में क्रांति का पहला व्यक्ति कौन बताएगा? वाह, गुड, बहुत अच्छा, अमरचंद भाटिया। ये दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, बिल्कुल सही, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। और इस प्रकार डिस्कशन आप करते रहो, आनंददायक क्लास रहेगी। जब तक आप आपस में बातें नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। अमरचंद भाटिया हमारे बीकानेर से हैं, ग्वालियर में नगर सेठ के नाम से जाने जाते हैं, और इनको भी फांसी दी जाती है। तो राजस्थान की ओर से 1857 की क्रांति का पहला शहीद व्यक्ति अमरचंद भाटिया। चलिए, इसी के साथ अपन दूसरे कारणों पर बात करते हैं। नंबर 2,